ये ड्रीम्स होम डेवलपर्स का जो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 2 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। मैं और मेरी टीम है जो इसके पूरे प्रोजेक्ट पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या होगा, कितना कॉस्टिंग आएगा लोगों को। ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें गरीब जनता जिनको आज एक रूम भी अगर लेनी हो तो उनको उतना ये नहीं हो रहता है कि एक सामान्य दर्जे के लोगों को रूम मिलना या एक सेल्फ सस्टेन रूम फ्लैट लेना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि बैंक्स लोन नहीं देती है, अगर फर्स्ट आपका जो डाउन पेमेंट होता है वो अगर भरने के बाद में कभी बैंक्स लोन नहीं देती तो कभी EMI नहीं भर सकते, इसके लिए फिर लोन कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट किया है वो एक 340 स्क्वायर फीट का फ्लैट जो है विद सेल्फ कंटेंट बाथरूम एंड टॉयलेट, ये हम गरीबों को सस्ते दामों में देंगे। ये दामों में ना तो म्हाड़ा का फ्लैट अवेलेबल होगा ना MMRDA उनको फ्लैट देगी विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज। इसकी वजह यह है कि पहली बात तो एक स्लोगन पहले हुआ करता था कि स्लम्स को हटाओ। हम स्लम्स को हटाएंगे जरूर, लेकिन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के बाद ऐसे नहीं उठा के किसी को कहीं पे भी फेंक दिया और फिर आप रस्ते पे रहो या कहीं पे भी रहो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। एक आम नागरिक के तौर पे मेरा फर्ज बनता है मेरे कंट्री के लिए, मेरे मेरे प्रांत के लिए, मेरे महाराष्ट्र के लिए मैं कुछ करूँगा। ये करने की जो इच्छा थी वो मेरे पापा की थी। इतना ही है कि कुछ लिमिटेशंस होती है हर एक की। अब हमने मीडिया मीडिया से करियर शुरुआत किया, इनफैक्ट IT से करियर शुरुआत करी, मीडिया में गए, मीडिया में से मार्केटिंग में गए, एडवर्टीजमेंट में गए, एडवर्टीजमेंट फाइल क्रिएशन में गए। हर आदमी अपने बारे में सोचता है, हर आदमी मेरे घर में कितना पैसा आता है, मेरे घर मेरी प्रॉपर्टी कितनी होती है, मेरा क्या ये मेरा वो, इसमें ज्यादा महफूज रहता है। मेरा मेरा मानना यह है कि अगर एक एक देशवासी एक खुद का एक अपने मन की जो बात रहती है ना, हर आदमी जो यहाँ पे काम करता है जो यहाँ के प्रांत की रोजी रोटी खाता है अगर अपने प्रांत के लिए छोटे से छोटा काम भी करना चाहे तो कर सकता है। सिर्फ इतना ही है कि भरोसे वाले लोग और एक अच्छी टीम का साथ मिले तो सब कुछ पॉसिबल है। यही इंटेंशन से ये प्रोजेक्ट चालू किया हूं। अभी फिलहाल तो विरार गोराई अपना चारको और मठ, ये 3 जगह पे ये प्रोजेक्ट चालू करूंगा। विरार में तकरीबन तकरीबन 1200 से 1500 ऐसे घर बनेंगे, टावर्स बनेंगे, जिसमें सिर्फ 1 रूम किचन 340 स्क्वायर फीट की होगी, जहाँ पे 4 से 5 मेंबर्स की फैमिली आराम से रह सकते हैं। तो ये भी जानना चाहूंगा कि कंपटीशन भी बहुत है मार्केट में, तो कैसे अलग हट विश्वास कैसे जीतेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि काफी लोग विश्वास भी नहीं करते हैं ऐसे बहुत सारे सर, प्रोडक्ट्स। ऐसे विश्वास नहीं मिलने का अगर होता या कुछ इनकॉम्पिटेंसी होती, मेरे को किसी से कंपटीशन नहीं करना है, मेरे को किसी को दिखाना नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूं। मेरे को ना तो गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए ना ही मेरे को कुछ चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट शुरुआत में जो भी होगा वो हम अपने तौर पे शुरू करेंगे, फाइनेंस के तौर पे। एक दो फाइनेंसर भी आए थे जिनसे मेरी बातचीत भी चल रही है, जिससे मेरा इस 1 सेकंड जिससे मेरा मेरी बातचीत भी चल रही है।
इसके अलावा जब स्लैब्स चालू होंगे, जब लोग देखेंगे एक्चुअल में कि ये प्रोजेक्ट हो रहा है, तो बट नेचुरल हर डेवलपर स्लैब वाइज पैसे लेता है, और जब ये स्लैब वाइज पैसे जनरेट करेगा तो अपने आप ये बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। एक कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कुछ दिखाना होता है, वो हम दिखाएंगे। फाइनली जानना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है, मतलब आगे का प्रोस्पेक्टिव जो है आपके स्टूडेंट प्रोजेक्ट का, किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलेगा या और क्या बेटरमेंट कर सकते हैं अपनी तरफ से? सर, ये प्रोजेक्ट चालू करने के बाद कितनी इम्प्लीकेशन कॉम्बिनेशन का और कितने हर्डल्स हम फेस करेंगे, इसके बारे में तो मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे लिए मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरे लिए, मैं मेरे प्रांत के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये मेरी अंदरूनी फीलिंग्स है, मेरे दिल की आवाज है। मैं ये नहीं कहता कि बॉस मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि लोग आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि गिरीश हेमचंद्र गुप्ते ने कुछ अच्छा काम किया। आज के तारीख में अगर ये तीन एरियाज को पकड़ के समझो 1500 फैमिलीज हर एक एरिया में को अच्छे घर मिलते हैं, तो 4500 फैमिलीज इन मुंबई, हर एक फैमिली की चार मेंबर्स भी पकड़ लो तो 4500 × 6 6000 लोगों की एक लाइफस्टाइल अलग हो जाएगी। ये मेरा इंटेंशन है और यही मेरा मोटो रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी, आज जो मेरे मित्र गिरीश हेमचंद्र गुप्ते ने ड्रीम होम्स का जो कार्यालय ओपनिंग किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो उनकी जो इच्छाएं, जो उनकी लोगों के प्रति भावनाएं हैं कि मैं गरीब लोगों को घर दूँ, तो उसमें सफल हों, ये मेरी उनकी शुभेच्छाएँ।